एटम को ही नहीं समझा है, इफ सपोज वी आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ एटम, तो मतलब हमारा कुछ बेसिक नॉलेज ही नहीं है. हर चीज एटम की बनी हुई है, और अगर हमें एटम के बारे में नहीं मालूम है तो मतलब क्या हुआ फिर. ठीक है, अगर एक सिंपल एग्जांपल दो, एनालॉगस एग्जांपल, सबको जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उनको ये मालूम है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सेल्स की बनी हुई है. लेकिन सपोज बायोलॉजी में आपने सेल का ही स्टडी नहीं किया है, सेल ही स्टडी नहीं किया है, तो मतलब क्या पढ़ा है आपने फिर, है ना. तो वैसे ही हर चीज एटम्स की बनी हुई है, तो एटम की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू स्टडी द एटम, एटम की पता होना चाहिए कि एटम किस चीज का बना हुआ है ये वगैरह. तो द स्टडी ऑफ एटम, द स्टडी ऑफ एटम, द स्टडी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एटम किस चीज का बना हुआ है, ये सब स्टडी ऑफ दिस एटम इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम की स्टडी करते हैं, एंड द वेरियस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एटम. ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. क्योंकि एटम अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, कुछ 125 साल पहले, 125 to 140 years back, एटम वॉज डिस्कवर्ड. तो इसको रिसेंटली माना जाता है फिजिक्स में. एटॉमिक फिजिक्स इज कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, नो डाउट वी आर गोइंग टू स्टडी, पर कभी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए आपको. तो मैं कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, इंडियन साइंटिस्ट भी बताऊंगा और कुछ फॉरेन के साइंटिस्ट के नाम भी बताऊंगा. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक फिजिक्स में मतलब जिन्होंने एटॉमिक फिजिक्स का स्टार्ट किया, ठीक है, हु स्टार्टेड द एटॉमिक फिजिक्स, वो तो थे आपके द साइंटिस्ट जे जे थॉम्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल जे जे थॉम्सन को हम लोग एटॉमिक फिजिक्स का स्टार्टअप मान सकते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको. जे जे थॉम्सन, किसी को मालूम है जे जे थॉम्सन ने क्या मेनली किया था, व्हाट ही डिस्कवर्ड एंड ऑल, जे जे सर थॉम्सन प्रॉफिट क्या किया था मालूम है किसी को, जे जे थॉम्सन. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, जे जे थॉम्सन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था इन द ईयर 1897. इन द ईयर 1897 जे जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. चाहिए तो लिख लो, पता होना चाहिए एक फिजिक्स के स्टूडेंट को. हाँ, तो इन द ईयर 1897 जे जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. उसमें क्या बड़ी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग ये मानते थे कि जो एटम है, एटम ही सबसे छोटी चीज है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम और ज्यादा डिविजिबल नहीं है, एटम को और तोड़ नहीं सकते, मतलब सबसे छोटी चीज एटम को माना जाता था. एटम टूटता है ऐसा लोग नहीं मानते थे, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल ऐसे मानते थे, मतलब सबसे छोटी चीज एटम है. लेकिन बाद में जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ ना, तो ये मालूम चल गया कि एटम से भी छोटा एक चीज होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, ये पता चल गया. तो जे जे थॉम्सन स्टार्टेड मेन फर्स्ट जो चीज है एटॉमिक फिजिक्स में, जे जे थॉम्सन ने स्टार्ट की, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1897. ठीक है, उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आएंगे इन द ईयर 1911. 1911 आपने इसे सुना होगा, रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यूजिंग इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया हमको कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. रुदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस. हम लोग आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आज मैं नाम दे रहा हूँ खाली पहले. तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक फिजिक्स में हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया, ही टोल्ड अस हाउ एटम लुक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया रदरफोर्ड ने. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए नील्स बोर. नील्स बोर तो ये रदरफोर्ड के ही असिस्टेंट थे, ही वाज असिस्टेंट ऑफ रदरफोर्ड, और इन्होंने भी कुछ बताया हमको.
इन द ईयर 1913। ये तीन साइंटिस्ट जो है ना स्टूडेंट, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा माना जाता है। दीज आर द साइंटिस्ट हु गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ। एक और साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। ओके, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे चैडविक, 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 चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ इंडियन साइंटिस्ट्स भी हैं जिन्होंने एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर मैं इंडियन साइंटिस्ट की बात करूं तो एक साइंटिस्ट है सर होमी भाभा, होमी भाभा काफी ग्रेट साइंटिस्ट है, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, होमी भाभा। ठीक है, दूसरा अगर एक साइंटिस्ट बताऊं, एक और साइंटिस्ट, तो उनका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इंडियन साइंटिस्ट, उनका भी काफी रोल है एटॉमिक फिजिक्स में। तो होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई। ठीक है, सो ये सब है एटॉमिक फिजिक्स में। ये है हमारा जो सिलेबस है इन आवर चैप्टर, हम लोग इन दिस चैप्टर रदरफोर्ड और बोर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। वी विल स्टडी मोर अबाउट रदरफोर्ड एंड नील्स बोर। ठीक है, चलो टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर की कंप्लीट होते होते आपको एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली एटम के अंदर क्या क्या होता है और कैसे होता है। सी, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, 11th स्टैंडर्ड में। तो मोर ऑर लेस वही आने वाला है, सेम चीजें। बट एज यू नो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझने पर ध्यान देते हैं, मतलब आपको मगअप नहीं करने, यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एटम लुक्स। ओके, तो चलो हम लोग रदरफोर्ड से स्टार्ट करेंगे। इन द ईयर 1911, आपको ये मालूम है रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो सुना है आपने, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। टेल मी वन, यस और नो, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट सुना है रदरफोर्ड का? यस सर, यस सर। एक्चुअली में रियलिटी क्या है पता है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड ने परफॉर्म नहीं किया था एक्चुअली। द रियलिटी इज दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय सम ऑफ हिज असिस्टेंट, उसके साथ जो काम करते थे ना उन्होंने परफॉर्म किया था। एक उनके असिस्टेंट थे गीगर, यहाँ पे लिखा है गीगर, और दूसरे उनके एक असिस्टेंट थे मार्टसन, मार्टसन। गीगर एंड मार्टसन वर द असिस्टेंट ऑफ रदरफोर्ड, उनके साथ काम करते थे, उनके नीचे काम करते थे गीगर और मार्टसन। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अल्फा फॉयल वाला, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉयल वाला। ठीक है, गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली। ठीक है, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया, लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय गीगर मार्टसन, गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, एक सोर्स होता है विच इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट्स अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऐसा सोर्स जिसमें से क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है ना बहुत हार्मफुल भी होते हैं, वो आपको अल्फा पार्टिकल आपकी बॉडी के ऊपर नहीं गिरने चाहिए, दे आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो सोर्स मैंने बनाया ना, सोर्स को एक बॉक्स के अंदर रखा गया। सी, दिस इज अ बॉक्स जिसके अंदर सोर्स को रखा गया, ये यूजुअली लेड का बना होता है, इट्स अ लेड बॉक्स, लेड, क्योंकि लेड में से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते, क्योंकि लेड बहुत डेंस होता है, लेड इज अ वेरी डेंस मटेरियल। तो लेड के बॉक्स में हमने अल्फा पार्टिकल को रखा, सोर्स को, द अल्फा पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू लेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोर्स रखा है,
इससे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे लाइक दिस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मच, ये एक बार देख लो पहले. ओके, तो यहां से क्या बाहर आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग आउट. ठीक है, इन अल्फा पार्टिकल को एक जगह पे फोकस करने के लिए, ताकि वो एक ही जगह पे फोकस हो जाए, ज्यादा स्प्रेड ना हो, उनको एक ही जगह पे फोकस करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है. सी यहाँ पे देखो, हमने दो ऑब्स्टेकल रख दिए, दो ब्लॉक्स रख दिए, उनके बीच में देखो छोटा सा गैप है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो इस छोटे से गैप से निकलेंगे ना. तो ये फोकसिंग करने के लिए, अल्फा पार्टिकल को एक जगह पे फोकस करने के लिए, ये देखिए मैंने दो ऑब्स्टेकल रख दिए. ये जो चीज है ना, इसको कोलिमेटर कहते हैं, कोलिमेटर, इट्स कॉल्ड एज कोलिमेटर. सी द स्पेलिंग, कोलिमेट करने का मतलब होता है फोकस करना. कोलिमेट इज अनदर वर्ड फॉर फोकसिंग, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, उसको कोलिमेटर, कोलिमेटिंग भी बोलते हैं. सो इट इज अ कोलिमेटर. ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल की बीम होगी जो फोकस होके निकलेगी, मतलब एक जगह पे जाके निकलेगी. दिस अल्फा पार्टिकल बीम वॉज मेड टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉयल. ये देखो अल्फा पार्टिकल की बीम कहां पे गिर रही है, इट्स फॉलिंग ऑन द गोल्ड फॉयल. गोल्ड फॉयल क्या होता है, फॉयल मतलब बहुत ही थिन शीट, एकदम पतली शीट को फॉयल कहते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा ना जो मिठाइयां रहती है, स्वीट्स के ऊपर भी चांदी का फॉयल, पतला सा शीट रहता है, सिल्वर फॉयल होता है. फॉयल मतलब बहुत पतला शीट, गोल्ड फॉयल. ठीक है, अब यहां पर जो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं, द अल्फा पार्टिकल आर फॉलिंग ऑन दिस, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो सकते हैं ना, दे मे गेट स्कैटर हियर एंड देयर. सी, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर हो गया. तो इस अल्फा पार्टिकल को पकड़ने के लिए, इस अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये जो गोल्ड फॉयल है, इसके आसपास एक स्फीयर होता है, इसे छोटा सा, लाइक दिस. सी दिस, जो गोल्ड फॉयल है ना, एक स्फीयर के अंदर है. ठीक, ये पूरा स्फीयर होता है, इट्स अ कंप्लीट स्फीयर, लाइक दिस. सी ध्यान से देखो, ठीक है, अब ये स्फीयर में क्या होता है, ये जो स्फीयर है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है. जहां पे अल्फा पार्टिकल गिरेगा ना, हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि ये यहाँ पे गिरा है. तो ये जो है ना, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर के लिए है. सो इट स्फीयर को हम लोग बोल सकते हैं, इट इज फॉर अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर. ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए ये स्फीयर है. ठीक है, इसमें सी द एंगल एट विच अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड. ये एंगल देखो, सी ये एंगल ऑफ डिविएशन. अच्छा, सौरभ रजक पूछ रहा है कि सर गोल्ड क्यों लिया, व्हाई दे टुक गोल्ड. गोल्ड तो महंगा भी होता है ना. हाँ, मैं दो मिनट में बता दूं उसके रीजन भी, आई विल टेल यू इन टू मिनट्स, लेट मी फिनिश. हाँ, सो देखो, सबसे पहले ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो स्कैटर होंगे ना, दे विल स्प्रेड हियर एंड देयर. तो ये जो थीटा एंगल है ना, ध्यान से देखो, इट्स अ डिविएशन एंगल ऑफ द अल्फा पार्टिकल. डिविएशन एंगल, देखो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, तो अपने इस पाथ से वो इतना एंगल पे टर्न हो गए. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज डिविएशन एंगल. ठीक है, सो ये जो डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर, ये हमको अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को कैच करता है और डिटेक्ट कर लेता है. तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. ये पूरा अरेंजमेंट है गीगर मार्टसन का. तो आपको 10th में ना थोड़ा गलत सिखाया गया है. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज नॉट डन बाय रदरफोर्ड, एक्चुअली इट वॉज डन बाय गीगर मार्टसन. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड का कोई रोल नहीं है. आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द रोल ऑफ रदरफोर्ड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, इट वॉज परफॉर्म बाय गीगर मार्टसन. रदरफोर्ड ने क्या किया, मैं अभी बता देता हूँ. ये जो एक्सपेरिमेंट से डेटा मिली ना, जो ऑब्जर्वेशन इसमें से मिली, वो ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन जो निकालते हैं, वो रदरफोर्ड ने निकाला. ठीक है,
ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय गीगर एंड मार्टसन थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट, बट वो ऑब्जर्वेशन से कुछ जो कंक्लूजन निकलता है, ऑब्जर्वेशन से जो नई चीज सामने आती है वो रदरफोर्ड ने निकाली थी. ठीक है, तो जो एटॉमिक मॉडल है इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, बट इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच इज गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया, वी विल डिस्कस ओवर इट. आपको ये चाहिए तो तब तक ड्रॉ कर लो पहले. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस. ठीक है, और अभी हाँ सौरभ का जो डाउट है उसको क्लियर करता हूँ मैं. सौरभ ने बोला कि सर गोल्ड क्यों यूज किया, सोना तो बहुत महंगा हो गया है आजकल, तो पता है बहुत महंगा हो गया है, ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज का चल रहा है, 52,000 रुपीज का 10 ग्राम. ठीक है, महंगा हो गया काफी, 100 साल पहले भी महंगा ही था. ठीक है, तो गोल्ड क्यों यूज किया. देखो बात यह है कि जो अच्छा ऋषिकेश वाड़ेले बहुत ध्यान रह रहे, बोले सर 54 हो गया अभी तो. अच्छा साक्षी का भी ध्यान है, अच्छा हो सकता है 54 हो, कल मैंने पढ़ा था तो 52 था. ठीक है चलेगा, तो गोल्ड महंगा होता जा रहा है, तो गोल्ड क्यों यूज किया, कुछ और क्यों नहीं यूज किया. देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गोल्ड है ना वो बहुत ही डक्टाइल और मेलिएबल होता है. इट्स अ मेलिएबल, मतलब गोल्ड को हम लोग बहुत ही थिन शीट्स में ला सकते हैं, इतना थिन शीट्स में आप दूसरे एलिमेंट्स को नहीं ला सकते यूजुअली. ठीक है, सबसे पहले तो इट इज गोल्ड इज वेरी मच मेलिएबल, मतलब इसकी मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ये थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. पहली चीज तो ये है, तो अगर इसको बहुत ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत थिन शीट मिलेगी. यहाँ पे बहुत ज्यादा थिन शीट की रिक्वायरमेंट है, अगर थिन शीट होगी ना तो उसमें से अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाएंगे, अल्फा पार्टिकल पास हो जाएंगे. अगर ये बहुत थिक शीट ले लोगे ना, बहुत मोटा शीट ले लिया, तो मोटी शीट से अल्फा पार्टिकल पास ही नहीं होंगे. गोल्ड की मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, गोल्ड को बहुत पतली शीट में ला सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही उसको यूज किया गया है. ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा सोना नहीं लगेगा, इट इज नॉट वेरी मच गोल्ड विल बी रिक्वायर्ड, हार्डली बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है, उतना आई थिंक गीगर मार्टसन ने अफोर्ड कर लिया होगा. ठीक है, इनको कोई ज्वेलरी वगैरह तो नहीं बनानी थी, बहुत बड़ा हार बनाना है कि बहुत ज्यादा गोल्ड लगेगा, ऐसा नहीं है. हाँ सर, हाँ, तो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है ना वो है मेलिएबिलिटी, कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से यूज करते हैं. ठीक है, सिल्वर एल्यूमिनियम ये सब जो है उनसे भी ज्यादा गोल्ड होता है मेलिएबल, दैट्स व्हाई. चलो आई थिंक डायग्राम आप लोग ने बना लिया होगा. ठीक है, अब फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई वो आपको केमिस्ट्री में भी सिखाया गया है. व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन डन बाय गीगर एंड मार्टसन. गीगर एंड मार्टसन ने पता है क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 95% जो अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड. गीगर मार्टसन ने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये किया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो बेंड वेंड नहीं हुए, सीधा सीधा निकल गए. ठीक है, मतलब एनीबडी आप में से कोई बताओ, अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड तो थीटा एंगल कितना हो गया उनके लिए, हाउ मच विल बी थीटा फॉर देम. 0 थीटा 0 डिग्री. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पता है स्ट्रेट निकल गए विदाउट एनी डिविएशन. ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, गीगर मार्टसन ने ये ऑब्जर्व किया, बट इसमें से जो कंक्लूजन है वो रदरफोर्ड ने निकाला. रदरफोर्ड ने इसमें से ये बताया कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, दे आर गोइंग अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब है एटम्स आर नियरली एम्प्टी, एटम ज्यादा करके एम्प्टी होते हैं. इसमें से एक चीज जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि एटम्स आर नियरली एम्प्टी. जब आप एक एटम लेते हो वो ऑलमोस्ट खाली जगह है, बहुत ज्यादा खाली जगह है,
एटम खाली है, इसके लिए अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल गया ना इजीली बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। इसमें से जो पहला कंक्लूजन निकाला, मैं थोड़ी लाइंस छोड़ के फिर नीचे कंक्लूजन लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट में से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी। ठीक है, एटम ज्यादातर एम्प्टी होता है, एम्प्टी इसलिए अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल गए। चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं। गीगर मार्टसन ने जो सेकंड ऑब्जर्वेशन किया वो ये था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए लेकिन उनकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की थी लेस देन 90 डिग्री, थी 90 डिग्री से लेस थी, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ था लेस देन 90। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स बहुत ही कम पार्टिकल्स, कितने पता है, 1 in 8000, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुए, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल, 1 in every 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। टेल मी, अगर मैं बोलूं थीटा 180 डिग्री है, मतलब इज इट अल्फा पार्टिकल रिवर्स हो गया, इट गॉट रिवर्स्ड। थीटा 180 मतलब क्या हुआ, वो पूरा रिवर्स रिवर्स आ गया थीटा 180। तभी ऐसा देखो ये ऐसा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, देखो रिवर्स आ गया मतलब ऐसे सोचते हैं, ऐसे जाके ऐसा हो गया, हां यूटर्न ले लिया, यूटर्न वो कार नहीं है, कार के जैसे यूटर्न नहीं ले सकता वो। 180 डिग्री कैसे होता है पता है, अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, देखो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, स्टॉप हो गया, इट स्टॉप्ड और फिर रिटर्न आना चालू हो गया, गया स्टॉप हुआ और रिटर्न हो गया, दैट इज 180 डिग्री। तो 180 ऐसा मत सोचना, ऐसा होता है यूटर्न नहीं लेता वो, इट गोस, इट स्टॉप्स एंड अगेन कम्स बैक, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, सो कुछ अल्फा पार्टिकल ना 180 डिग्री पे भी रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसमें से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजंस निकाले, सम कंक्लूजंस वर मेड बाय रदरफोर्ड। पहला कंक्लूजन तो है कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी। ठीक है, दूसरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम का 99% मास है, 99% ऑफ मास ऑफ एटम, एटम का जो 99% मास है ना, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, एटम नियरली एम्प्टी है, तो एटम का जो मास होता है ना वो 99% जो मास है उसका, वो पूरा एक ही छोटी सी जगह पे रहता है। वो जो छोटी सी जगह है जिसमें पूरा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है उसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। वो जो वेरी स्मॉल स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यस, रदरफोर्ड वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया था। He was the first person who said that nucleus is present inside the atom. तो इन्होंने बोला एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पूरा का पूरा जो मास है 99% मास वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये सब उसके कंक्लूजन्स थे। न्यूक्लियस हैज द ऑल पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम। एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो पूरा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, ये कंक्लूजन उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाता है, द अल्फा पार्टिकल दैट गोज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से रिवर्स होके वापस आ जाता है। ठीक है, आपको याद है जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री रिफ्लेक्ट होता है, वो क्यों रिफ्लेक्ट होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होता है। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिव,
सो दे रिपेल ईच अदर, तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे गिरता है वो 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है. सो न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज. ओके, और रदरफोर्ड के इससे पहले ही याद है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बिफोर रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था. रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सैटेलाइट्स की जैसे घूमते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये भी रदरफोर्ड ने बताया था. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये सब चीजें हमको मालूम है, राइट? ये सब चीजें रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताई थी, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं. क्लियर? कुछ नोट करना तो कर सकते हो. ये आई थिंक स्टूडेंट केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं ये सब. स्टूडेंट आई एम आस्किंग, ये केमिस्ट्री में किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, हुआ है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज आपको रिपीटेशन ही लगेगा फिर वो. इतना ठीक है. सो दिस वाज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. लेकिन रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो रदरफोर्ड ने किया, इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स भी है. देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. वो ड्रॉबैक्स क्या है मैं एक एक करके बता देता हूँ. सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड ने जो बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना. लेकिन रदरफोर्ड ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि कौन उन ऑर्बिट्स का रेडियस कितना होता है, या कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं उन्हीं में घूमते हैं कि रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं. ही वाज हैविंग नो इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिट. ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम सकता है या कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम सकता है या रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, ऐसा रदरफोर्ड को नॉलेज नहीं था. मतलब ही वाज नॉट श्योर दैट व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स. कुछ पता ही नहीं था कि ऑर्बिट फिक्स्ड होते हैं कि कोई भी ऑर्बिट हो सकता है. सो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि ही वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स. रदरफोर्ड को आइडिया नहीं था. दूसरा एक और सीरियस ड्रॉबैक था. देयर इज वन मोर ड्रॉबैक. दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना. मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन. मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल्सो. इलेक्ट्रॉन विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल्सो, है ना. याद है जो चीज सर्कुलर मोशन करती है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन वॉज हैविंग एन एक्सेलरेशन, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक चार्ज पार्टिकल है, राइट. इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है. चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग. इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है. सो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद आपको उतना पता नहीं होगा, बट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है ना, whenever the charge is accelerating, तो ये charge electromagnetic waves release करने लगता है. The charge starts releasing electromagnetic wave. It was suggested by J.C. Maxwell. Maxwell ने बताया था कि जब चार्ज एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करता है ना, कुछ भी करता है, चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, it has to release the electromagnetic wave.
चार्ज की है ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मूव करता है विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट ये प्रूवन फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, इसको डिनाय नहीं किया जा सकता है। चार्ज जब एक्सेलरेट करता है इट गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग ना, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेट कर रहा है, लाइक दिस इट इज मूविंग एंड इट इज हैविंग अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन के पास भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन भी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करना चाहिए, द इलेक्ट्रॉन मस्ट रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लेकिन ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटम में से नहीं निकलती है, देयर इज नथिंग, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग फ्रॉम द एटम, एटम में से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलती है, पहली चीज। दूसरा चीज और एक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहा है सो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका एनर्जी भी रिलीज हो रहा है ना, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो इट इज रिलीजिंग द एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसकी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका एनर्जी कम होना चाहिए, इट्स एनर्जी शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो स्पाइरल पाथ, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसका एनर्जी कम होते जाएगा, एनर्जी कम होगा तो इसका रिवोल्यूशन भी स्लो होता जाएगा, वो अंदर की तरफ चलता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, दिस काइंड ऑफ अ थिंग नेवर ऑब्जर्व्ड, एटम में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में, वो कभी गिरते नहीं है न्यूक्लियस में, ठीक है। सो दीज आर ड्रॉबैक्स, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं वर्ड्स में लिखवा देता हूँ ये सब चीजें, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग इन द स्टेटमेंट, राइट ऑन, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, पहला ड्रॉबैक लिखो, राइट ऑन फर्स्ट ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट रदरफोर्ड did not give, but Rutherford did not give any idea about radius of those orbits. Did not give any idea about radius of those orbits. Okay. सेकेंड ड्रॉबैक लिखो अभी, सेकेंड ड्रॉबैक, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉमा इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट has centripetal acceleration, full stop, आगे लिखो, according to classical theory the accelerating charge gave rise to electromagnetic waves. Main repeat kar raha hu, according to classical theory the accelerating charge
give rise to electromagnetic waves. Hence, the electron must also release electromagnetic waves. Hence, the electron must also release. Electron must also release electromagnetic waves. And hence, its energy must decrease. And hence, its energy must decrease. And the electron will. And the electron will follow spiral path. And the electron will follow spiral path. And fall into the nucleus. Electron must follow spiral path and fall into the nucleus. But no such thing. But no such thing really happens. But no such thing really happens. ठीक है, लिखा? एक बार पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है? यही जो मैंने बताया था वही सब है, ठीक है? अरे भाई, चेतन अलग बोल रहा है कि पूरा सेकंड स्टेटमेंट रिपीट करो, पूरा रिपीट करो कि बीच में से कुछ है? बीच में से, सिंस द इलेक्ट्रॉन must also release electromagnetic waves. Hence, its energy decreases, and it follows spiral path. Its energy decreases, and it follows spiral path. And it must fall into the nucleus. वो nucleus में गिर जाना चाहिए, है ना? It must fall into the nucleus. But no such thing really happens. मतलब ऐसा कोई चीज असली में नहीं होता है. No such thing really happens. Student, एक बात बताओ, ये drawbacks भी आपने chemistry में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? drawbacks से पढ़े ना? हाँ सर, सब भी थे, सभी थे. ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. I hope आप समझ गए होंगे कि एक बार हो चुका है, ये repetition है almost. It's a repetition. So इसलिए मैं ज़्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ. चलिए आगे बढ़. जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ना, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. इन ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए देयर वाज वन अनदर साइंटिस्ट, नील बोर. एक और साइंटिस्ट है नील बोर जो है ना, वो भी रदरफोर्ड के असिस्टेंट ही थे, जस्ट लाइक गीगर मार्टसन. गीगर मार्टसन की जगह की तरह बोर वॉज ऑल्सो द असिस्टेंट ऑफ रदरफोर्ड. तो नील्स बोर ने, इसका नाम था नील्स बोर ने भी एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. नील्स बोर ने भी एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था इन द ईयर 1913, लगभग 100 साल पहले. नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. ओके, अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. नील बोर ने ना अल्टीमेटली तीन पॉइंट्स कही थी. ही गेव हिज एंटायर मॉडल इन द थ्री पॉइंट्स. तीन पॉइंट्स इसने बताई थी. वो जो तीन पॉइंट्स इसने बताई थी ना, उसको हम लोग बोलते हैं थ्री पोस्टुलेट्स.
थ्री पॉइंट्स जो है ना दे आर नोन एज थ्री पोस्टुलेट्स. सी द स्पेलिंग. ओके पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई. दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट. पोस्टुलेट मतलब ट्रुथ. तीन इसने पोस्टुलेट्स बताए थे. दैट इज मीन्स थ्री ट्रुथ ही टोल्ड अस. ठीक है तो वन बाय वन में तीनों पोस्टुलेट बता रहा हूँ. रदरफोर्ड ने क्या बोला मैंने. ठीक है स्टूडेंट ये जो तीन पोस्टुलेट्स है मैं सीधा डिक्टेट कर रहा हूँ. आई एम डिक्टेटिंग. ठीक है आप लोग लिख लो मैं बता रहा हूँ. आई विल डिक्टेट डायरेक्टली दिस पोस्टुलेट्स. लिखो फर्स्ट पोस्टुलेट. पुट द हेडिंग फर्स्ट पोस्टुलेट. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो the electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The electrons revolves around the nucleus in circular orbits. Full stop. हेलो सर. सर आपका मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and the nucleus. लिख लिया स्टूडेंट. सबने लिख लिया. कुछ मिस तो नहीं हुआ किसी का. ठीक है एक बार पढ़ के देखो समझ में तो आ जाएगा. आई एम श्योर रीडिंग से ही समझ में आ जाएगा. ये चीज मैंने आपको सर्कुलर मोशन में भी बताई थी. ये सेम चीज सर्कुलर मोशन में भी बताई थी जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था. और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. ठीक है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं. तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस. But this electrostatic force works as a centripetal force. Clear? First postulate? हाँ. अब देखो, first postulate से हम लोग एक mathematical formula लिख सकते हैं. Let's write down the mathematical formula for this. देखो, formula को समझाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ. Imagine that, ध्यान से देखो अभी. Imagine that ये अगर nucleus है. See here. Suppose ये nucleus है. ध्यान से देखो. अब न्यूक्लियस के अंदर आपको मालूम है अगर एक प्रोटॉन है. सपोज देयर इज अ वन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है. प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई. ये देखो प्लस ई लिखा है मैंने. ये ई वही है 1.6 × 10⁻¹⁹ को ई लिखते हैं. दिस इज अ चार्ज ऑन द वन प्रोटॉन. लेकिन सपोज जो न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस के अंदर सपोज जेड प्रोटॉन्स आर देयर. कितने प्रोटॉन्स है. सपोज जेड प्रोटॉन्स आर देयर. Z is the number of protons. तो पता है न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना हो गया. न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हो जाएगा Ze. This will be the charge on the nucleus. ठीक है अब सोचो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास ऐसे घूम रहा है. See this. See. इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में घूम रहा है. ये जो ऑर्बिट का रेडियस है. रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज R. ठीक है सो देखो
इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, उसको मैं कूलम लॉ की तरह हेल्प से लिख सकता हूँ. विद हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ आई कैन राइट डाउन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 1/4πε0. Anybody tell me charges कितने? What are the two charges? बोलो. Sir, plus ZD. Plus ZD to minus ZD. ZD and minus ZD. Minus ZD. Minus ZD. E. तो charges देखो मैं क्या ले रहा हूँ. ZD. एक charge है ZD और दूसरा charge है E. अब आप बोलेंगे sir minus क्यों नहीं ले रहे हो? माइनस से लेके कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए खाली. आई जस्ट वांट अ वैल्यू ऑफ दैट फोर्स. माइनस साइन कुछ डायरेक्शन वगैरह इंडिकेट कर सकता है, हमें उसमें जाने ही नहीं. वी वांट जस्ट मैग्नीट्यूड. तो जेड ई इंटू ई लेंगे, डिवाइड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर. स्टूडेंट ये कूलम लॉ मैंने यूज किया है, 1/4πε0 Q1 Q2/r2, कूलम लॉ. तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. But according to the Bohr, this electrostatic force works as a centripetal force. This electrostatic force ko main centripetal force bhi likh sakta hu na. Centripetal force kitna hota hai, yaad hai? mv² / r. R. So take this electrostatic force equal to mv² / r. Ye hai first equation that I can write. Chahiye to abhi likh lo equation aur saath mein diagram bhi aapko chahiye to apne knowledge ke liye bana sakte ho. डायग्राम में काम करना, अगर आप बना रहे हो डायग्राम, न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा बनाओ. ड्रॉ न्यूक्लियस लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट के जैसा बनाओ न्यूक्लियस को, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट स्टूडेंट. ठीक है, अब एक याद रखो, एक चीज मैं भी बोल देता हूँ. फर्स्ट पोस्टुलेट मैंने करा दिया, बाकी दो पोस्टुलेट भी मैं आज करा दूंगा. टोटल 3 पोस्टुलेट्स हैं. इन द टुमारो लेक्चर अगर मैं कोई भी पोस्टुलेट आपसे पूछूं, थ्रू आउट द लेक्चर ऑफ टुमारो कोई भी पोस्टुलेट पूछा तो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, इंक्लूडिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आना चाहिए. यही मतलब बता देता हूँ, कल मैं ये पूछूंगा पोस्टुलेट. ठीक है, पोस्टुलेट अच्छे से पढ़ लेना ये. चलो, आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड पोस्टुलेट नाउ. Write on second postulate. Write on second postulate. ठीक, लिखो. The electrons revolve around the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in certain fixed orbits. In certain fixed orbits known as stationary orbits, known as stationary orbits. ये लिखो अच्छे से स्टूडेंट, known as stationary orbits. Stationary orbits को अंडरलाइन करो, stationary orbits वर्ड को अंडरलाइन करो, फुल स्टॉप. आगे लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच the angular momentum of the electron. Dekha, angular momentum of the electron is the multiple of h/2π. h wo Planck's constant wala h bol raha hu, h/2π. एक बार मैं पूरा रिपीट कर लेता हूं ध्यान से. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स.
known as stationary orbits. Full stop. The electrons revolve only in those orbits in which angular momentum of electron is the multiple of h upon 2 pi. H matlab Planck's constant wala h likhoge, small h. Small h upon 2 pi. ठीक है, clear? हाँ, देखो second postulate भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से देखो. स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस. आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, लेकिन बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पे भी नहीं घूमते. ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, एट एनी डिस्टेंस दे कैन रिवॉल्व. ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं. सपोज ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसके ऊपर होगा सेकेंड ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में भी घूम सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड के बीच में नहीं घूम सकता है. तो बोर ने बताया कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमता है. ये आपको मालूम है केमिस्ट्री में, ठीक है. क्वांटम नंबर 1 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है. 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है. तो ये जो ऑर्बिट्स है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है. मतलब ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, स्टेबल, इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है, तो इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. लेकिन ये ऑर्बिट डिसाइड कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा, ये डिसाइड कैसे होगा ये ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है स्टूडेंट MVR. कल मैं इसको और बताऊंगा डिटेल में, आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम ये होता है m into v into r. इट इज इन द रोटेशनल मोशन चैप्टर. तो ये m है इलेक्ट्रॉन का मास, v है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज MVR, It is equal to multiple of h upon 2 pi. Multiple of h upon 2 pi. ये देखो मैंने h upon 2 pi लिखा है. Multiple of h upon 2 pi मतलब 1 time h upon 2 pi or it may be 2 times h upon 2 pi, 3 times h upon 2 pi. In general, n times h upon 2 pi. ठीक है. जहाँ पे angular momentum h upon 2 pi का कुछ मल्टीपल होता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, कुछ भी. ये जो n है ना, दिस n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3 एंड सो ऑन. तो जिस ऑर्बिट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi होता है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. स्टूडेंट इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है ना अभी नहीं रहेगा, बट आफ्टर 4-5 लेक्चर्स इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि ऐसा क्यों बोला बोर ने. ठीक है, पर अभी आपको ऐसे याद ही रखना है कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसमें MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है. गेटिंग? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट. कल मैंने आपको पूछा अगर, तो आपको ये फॉर्मूला भी बतानी पड़ेगी. यू नीड टू टेल मी दिस फॉर्मूला ऑल्सो. You need to tell this formula also. So MVR is NH upon 2 pi. Clear? The N is 1, 2, 3, 4. ठीक है. So एक बार बताओ, N सबसे कम कितना हो सकता है? N की minimum value क्या हो सकती है? 1 हो सकती है. By chance अगर N 1 है, मतलब MVR is equal to 1 times h upon 2 pi. जब n की वैल्यू 1 होती है ना, उसी को आप फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हो. दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट. जब n की वैल्यू 2 हो सकती है, n can be 2 also. जहां पे n 2 होगा उस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. जहां पे n 2 होता है उसको आप सेकेंड ऑर्बिट बोलते हो. जहां पे n 3 होता है दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्बिट. तो n 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, n 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट. तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो, दिस एन बिकम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बन गया ना.
हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्वांटम नंबर्स। हाँ सर। तो ये n जो है ना अल्टीमेट जो ये n है वो क्वांटम नंबर ही है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये n वन होता है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n टू हो जाता है। सो दिस n इज इनडायरेक्टली अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिख लो भले ये चीज, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n is a principal quantum number, ठीक है। थर्ड पॉसलेट स्टूडेंट बस एक मिनट लगेगा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कल करूंगा थर्ड को, सिर्फ आज डिक्टेट कंप्लीट करना है मुझे, इट विल टेक हार्डली वन मिनट, ठीक है। थर्ड पॉसलेट से सिर्फ डिक्टेट कर लेता हूँ मैं, लिखो थर्ड पॉसलेट, थर्ड पॉसलेट लिखो। व्हेनेवर whenever the electron jumps, whenever the electron jumps from higher orbit to lower orbit, whenever electron jumps from higher orbit to lower orbit, comma, it releases the energy, it releases the energy in the form of photon, it releases the energy in the form of photon, and this energy is equal to, is equal to words mein likhna, symbol mat likhna, and this energy is equal to the difference of energy, this energy is equal to the difference of energy, difference of energy of electron, main repeat kar raha hu student, this energy is equal to the difference of energy of electrons in the two orbits, last sentence mein fir se repeat kar leta hu, theek hai, aapne wahan tak likha in the form of photon tak likha hai, photon ke aage mein repeat kar raha hu, in the form of photon aage, this energy is equal to the difference in energy, this energy is equal to the difference in energy of electron in the two orbits, ठीक है। कल मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा, इसमें टाइम लगता है समझाने में, will explain it tomorrow, लेकिन स्टूडेंट कल का होमवर्क वापस बता देता हूँ, पहले दो पॉसिबिलिटी मैंने अच्छे से